रोहतक का कारोर गांव, क्या कभी इसमें शांति स्थापित होगी? क्या यहाँ पर और रिमोटों का सिलसिला कभी खत्म होगा? क्या यहाँ के लोग पलायन जो कर रहे हैं वापस आएंगे? क्या कभी इस गांव में शांति स्थापित होगी? आप आए दिन ये सुनते होंगे कि कारोर गांव में एक नई घटना घटी, लेकिन कभी आपने सुना कि कारोर गांव से ये अच्छा कदम आगे निकला जो समाज को कुछ अच्छी सुविधाएं प्रदान करेगा, समाज को एक संदेश देगा? नहीं। कारोर गांव में क्या ऐसी समस्या की लगातार सुर्खियों में बना रहता है और एक ऐसा गांव बन गया जहां पर लगातार मर्डरों का सिलसिला जारी है। कई सालों से मर्डरों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके कारण वहाँ के लोगों के बच्चों के रिश्ते नहीं होते तो वह दोबारा से इस लाइन पर चल पड़ते हैं और वह भी अपराध की दुनिया को अपना लेते हैं। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन में इसमें क्या किया है? प्रशासन ने भी अच्छी खासी भूमिका अदा की है। प्रशासन ने वहाँ पर स्पेशल चौकी लगाई है ताकि वारदातों को रोका जा सके, लेकिन वहाँ की बात की जाए तो लगातार वारदातों में बढ़ोतरी हुई है, न कि घटोतरी। तो बात कर लेते हैं रोहतक के कारोर गांव की। एक नई घटना, दिवाली के दिन एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? छज्जू गैंग के द्वारा। अगर कारोर गांव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो गैंग बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, जो कि रोहतक के अंदर आपको चारों तरफ इन दो गैंगों का बोलबाला दिखाई देगा। एक अनिल छिपी गैंग, दूसरी छज्जू गैंग। दोनों गैंगे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। इन गैंगों के बीच में आपस में मुठभेड़ होती रहती है और पूरा गाँव दो फाड़ों में बटा हुआ है, अनिल छिपी गैंग और छज्जू गैंग। अनेक युवा जिनकी शादी नहीं हो पाती, रोजगार नहीं मिल पाता, वो इन गैंगों को अपना लेते हैं और लास्ट में अंजाम क्या रहता है? उनकी हत्या कर दी जाती है। अंत में यही रिजल्ट सामने आता है। प्रशासन के द्वारा, गांव के मौजूद व्यक्तियों के द्वारा कदम तो अनेक उठाए गए, लेकिन उनके रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। अनेक व्यक्तियों ने पहल की इस गैंगवार को रोकने की, लेकिन अभी तक सभी के सभी असफल रहे हैं। गांव के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने भी अनेक पंचायतें की, अनेक वार्तालाप का दौर चला, लेकिन ये सिलसिला आज तक नहीं थमा है। इसकी शुरुआत होती है लगभग 2000 के आसपास, तब ये गैंग सक्रिय होती हैं और आपस में ही गैंगवार का सिलसिला लगातार चलता रहता है। 2006 से 2008 तक ये सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अनेक मौत की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। फिर पुलिस थोड़ी सक्रिय होती है और गांव में पुलिस चौकी बना देती है। उसके बाद थोड़ा इस घटनाओं में कमी आती है, लेकिन दोबारा से सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। पहले ये पुरुषों में ही था, बाद में इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाता है, उन पर भी गोलीबारी की जाती है और महिलाओं की भी हत्या की जाती है। ये गांव हमेशा से ही सुर्खियों में रहता है। इसके कारण सिर्फ यही अपराध है, दोनों गैंग हैं, दोनों गैंग बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, इनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है। अगर बात की जाए छज्जू गैंग की, वो बहुत पुराने समय से गैंग चली आ रही है और उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। और अनिल छिपी गैंग की बात की जाए तो वो भी कम समय में ही अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुकी है। गांव के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने अनेक फैसले लिए, अनेक पंचायतें हुई, लेकिन सिलसिला नहीं थमा। तो जो व्यक्ति अच्छी खासी जॉब पे थे, अच्छे खासे काम पे थे, उन्होंने कारोर गांव को छोड़ दिया। उसके पीछे का रीजन ये है कि उनके बच्चों की शादी तक नहीं हो रही थी। जो अच्छी जॉब पे होने के बाद भी रिश्ते नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने इस गांव को ही त्यागना बेहतर समझा। और ये भी एक दूसरा रीजन था कि उनको डर था कि कहीं उनके बच्चे भी इस अपराध की लाइन में ना आ जाएं या किसी अपराधी के गन पॉइंट पे ना आ जाएं। तो अनेक से व्यक्ति वहां से पलायन कर चुके हैं। क्या कभी इस गाँव का सुधार होगा, इसका विकास होगा? क्या ये गैंगवार थमने का नाम लेंगी? अभी तक तो ऐसा कुछ सिलसिला दिखाई नहीं दे रहा है। आगे फ्यूचर में अगर सरकार कोई अच्छी नीति लाती है, इन दोनों गैंगों के विरुद्ध कुछ स्टिक एक्शन लेती है, तो हो सकता है कि इस गैंगवार में, इस मर्डर का जो सिलसिला चल रहा है, कुछ कमी आए। लेकिन एक सामाजिक पहलू की बात की जाए तो समाज की अनेक पंचायतें हो चुकी हैं, लेकिन आज तक इस गैंग ने रुकने का नाम नहीं लिया है। दोनों गैंगों के बीच गैंगवार हर साल चलती रहती है, एक दूसरे के मारने की आशंका हमेशा से ही रहती है। आगे सिलसिला कहाँ तक जाएगा, इस बारे में तो कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि धीरे धीरे ये गाँव बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की युवा पीढ़ी भी इसी लाइन में आ चुकी है, पुराने लोग भी अपनी रंजिश निकालने में लगे हैं, तो इस गांव का फ्यूचर हमें अंधकार में दिखाई देता है। तो हरियाणा की जनता से, हरियाणा के प्रशासन से एक अपील है कि आगे बढ़कर इस गांव को बचाने के लिए एक पहल की जाए और सभी को इसमें आगे आना चाहिए
और आगे भी इससे खबर से जुड़ी कोई खबर होगी तो हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।